हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर की कचौड़ी। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, नमक डालेंगे, अजवाइन डाला है मैंने, साथ में मैंने मंगरेल डाला है और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। इसे अच्छे से मसलते हुए हमें मिला लेना है। फिर मैं इसमें पानी डालकर और इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। चलिए, मैंने यहाँ पे डो तैयार कर लिया है और अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। चलिए, कढ़ाई रखा है मैंने गैस पर, ऑयल डाला 1 चम्मच, जीरा डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा भून लेते हैं और साथ में आप डाल देंगे मटर और साथ में नमक, ताकि मटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे और फिर मैं डाल रही हूँ, अब डालेंगे गरम मसाला और साथ में चाट मसाला, थोड़ा सा भूनेंगे और इसे अब हम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए, ये ठंडा हो गया है और इसका मैंने पेस्ट भी बना लिया है। और अब मैं यहाँ के बॉल्स तैयार कर ले रही हूँ आटे को, और इस तरह से हम एक बॉल्स लेंगे, इसमें कटोरी का शेप देंगे और इस तरह से बीच में स्टफिंग डालेंगे और इसे हम मिलाते हुए बंद कर देंगे, और इसी तरह से हम अपने सारे ही जो लिट्टी है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, ये हमारा सारा कचौड़ी बनकर तैयार हो गया है और इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैंने गर्म ऑयल में इसे डाला है, दोनों ही तरफ से पलटते हुए हमें इसे सुनहरा करते हुए फ्राई कर लेना है। और लीजिए, हमारी सुपर टेस्टी मटर की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।